हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स अब हम करने लगे हैं लेक्चर नंबर टू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम होप सो मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था एज वेल एज हमने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की सो so अब हम पढ़ने वाले हैं चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज देखी थी कैथोड कैथोड्रीज की जिसके कारण हमें ये पता चला भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव स्पीशीज होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है सो so, अब हम देखने लगे हैं चार्ज एंड मास यानी कि चार्ज और मास कैलकुलेट करने लगे हैं उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी इस लेक्चर में जे जे का एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एंड ऑयल ड्रॉप सो स्टूडेंट्स बिफोर गोइंग टू द टॉपिक प्लीज लाइक माय वीडियो यू कैन शेयर इट आल्सो एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी बेल आइकन का क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाती है सो so आप उसे प्रेस कर दीजिए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली बच्चों अभी मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें विलियम का बताया था विलियम क्रूप ने कैथोड रेस की स्टडी की थी जिससे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की तो जे जे थॉमसन ने क्या किया उसी डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया और पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने एक ही डिस्चार्ज ट्यूब ली थी इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसमें क्या किया ठीक है डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रॉड्स पुट किए देखिए मैं क्या बोल रही हूँ जे जे थॉम्सन साइंटिस्ट यूज डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब हमने पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में क्रूक्स ट्यूब ली थी जो कि एक ही ली थी लेकिन इन्होंने डिस्चार्ज बहुत सारी ली एंड फिटेड विद इलेक्ट्रॉड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट इलेक्ट्रॉड्स उन्होंने फिट किए अब देखिए उन्होंने क्या किया पीछ मतलब पिछले वाली वीडियो में आपने देखा होगा हमने गैस ली थी एटमोस्फेरिक प्रेशर पे लेकिन जे जे थॉम्सन ने क्या किया डिफरेंट गैसेस पुट करी ठीक है अब देखो ऑब्जर्वेशन पे चलने से पहले डिफरेंस के तौर पे इसे याद करते हैं विलियम क्रुक ने क्या किया सिंपल डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसे मैं बोलती हूँ क्रुक्स ट्यूब जे जे थॉम्सन ने क्या किया डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब ली विलियम क्रुक ने क्या किया था एक सिंपल गैस दी थी प्रेशर पे। इसने क्या किया? Different gases की। so, ये इनका जे जे था। हमेशा जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय मास एम को एम से करती है चार्ज बाय मास जो रेशो आती है इलेक्ट्रॉन की वो सेम आती है हमेशा किसी भी आप एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर लो e/m रेशियो जो है वो सेम रहेगी ठीक है e/m इज इक्वल्स टू 1.76 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम कूलर पर पर ग्राम जो है इसकी क्या है यूनिट है तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए फिर नोट कीजिए अब मैं आपको बताऊंगी भी चार्ज और मास कैसे कैलकुलेट करना है तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं चार्ज एंड मास देखिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको मतलब इसके बाद जे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी और उसके बाद मैं आपको मिलकिन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताऊंगी सो so, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर किया था वो आया था 1.602 पॉइंट सिक्स की पावर माइनस नाइनटीन कूलम कोलम इज द यूनिट राइट सो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास ये है अब आप ये कहोगे कहाँ से आया तो बेटा ये तो याद ही करना होता है

तो मैंने पहले क्या पुट किया चार्ज ऊपर पुट किया नीचे क्या पुट किया मैंने e by M रेशो पुट करी, ठीक है अब ये देखिए नाइन पॉइंट वन वन इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी एट ग्राम्स ग्राम्स जो है वो मास का क्या है हमारा यूनिट है सो तो जी बच्चों मैं यहाँ कूलम पे आपके लिए लिख है जिसे नहीं पता ठीक है तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो कुलम होता है प्लस मैंने आपको अभी मास मास बताया मास कितना आया 9.11 की पावर माइनस ट्वेंटी में केजी में दे रखा है तो टेंशन नहीं लेनी भी मैम अपने ग्राम्स में तो हमने पहले इसे के जी को आप मतलब ग्राम्स को आप के में भी कन्वर्ट कर सकते हो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट सो हमने यहाँ से मास कैलकुलेट कर लिया अब स्टूडेंट्स ये जो मास है अब क्या किया साइंटिस्ट ने इसे किससे कंपेयर किया हाइड्रोजन आटम के मास से तो जब इसने हाइड्रोजन आइटम के मास से कंपेयर किया इसने देखा कि ये जो मास आया है इलेक्ट्रॉन का इट इज वन थ्री सेवन ऑफ हाइड्रोजन आइटम मतलब इतना ज्यादा ये क्या है हाइड्रोजन आइटम के कंपेरेटिवली इसका ये मास आया है सो अब हमने क्या डेफिनेशन यहाँ से डेवेलप करी बी द इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल क्वांटिटी

वीडियो so, को पॉज करना है इसे नोट करना है फिर एक बार फिर से आपको इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन मैं डिक्टेट करूंगी सो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन की क्या हुई इट इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल मेरे पीछे पीछे बोलिए क्योंकि हमें आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं हमें इसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना इट इज दैट फंडामेंटल क्वांटिटी व्हिच कैरीज वन यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास अब हम करने लगे हैं जेजे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हम देखेंगे डेविएशन और चार्ज के बारे में सो so हांजी बच्चो अब हम देखने लगे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ थॉम्सन जे जे थॉम्सन ने एज यू नो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले भी विलियम क्रूप ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें स्टडी ऑफ कैथोड रेस की गई थी तो अब हम ये जो एक्सपेरिमेंट है थॉमसन का एक्सपेरिमेंट इससे क्या देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के बारे में भी स्टडी करेंगे सो so जो ये थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था इसमें देखिए क्या होता है यहाँ पर जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसको कुछ इस वे में लिया गया यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड सा कर लिया गया ठीक है तो ये स्ट्रक्चर है उस ट्यूब का अब क्या किया गया बच्चों ये जो चीज है ये है कैथोड एज यू नो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी मैंने परफोरेटेड एनोड लगाया मैंने आपको पहले भी बताया था ऐसा एनोड जिसके अंदर होल होता है परफोरेटेड का मतलब होल प्रेजेंट होना सो so ये एनोड जो है इसमें एक होल प्रेजेंट है ये होल इसलिए प्रेजेंट है ताकि जो रेज है वो यहाँ से निकल के आगे जो हमारी स्क्रीन है उस पर हमें विजिबल हो जाए जैसे कि हमने पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था स्टूडेंट्स विलियम क्रूप वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने जब आपको कैथोड रेस की समझाई थी मैंने आपको क्या कहा था बी फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बॉल है और उस बॉल के ऊपर क्या है बच्चों उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है मैंने उस बॉल को एक व्हाइट उस पर फेंका दीवार पे तो उस दीवार पे एक ब्राउन स्पॉट आ गया वो ब्राउन स्पॉट क्या इंडिकेट करता था भी हाँ उस बॉल के ऊपर कुछ ब्राउन लगा हुआ था जिसके कारण दीवार भी क्या हो गई ब्राउन हो गई तो बेटा यहाँ पर आप देखो यहाँ पर भी सेम हम वैसे ही करते हैं भी यहां पर से कुछ रेस एनोड की तरफ जब आई तो वो रेज क्या हुई परफोरेटेड एनोड से पास हुई अब हमने क्या किया हमने नहीं बेसिकली साइंटिस्ट जेजे थॉमसन ने उन्होंने क्या किया उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की और मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने कुछ इस तरह से अप्लाई की भी ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल नीचे नेगेटिव कुछ इस प्रकार से तो आपको याद होगा कैथोड की क्या प्रॉपर्टी होती थी कैथोड की ये प्रॉपर्टी होती थी भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो जो हमारी कैथोड रेज है वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो आप इधर तो डायग्राम में देख सकते हो ये पॉजिटिव प्लेट है कैथोड रेज ये देख रहे हो आ रही है आ रही है यहाँ तक आई अब उसने देखा भाई पॉजिटिव तो ऊपर है तो कहां चली जाएंगी ये रेस? ये रेस ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी सीधी नहीं जाएंगी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी क्योंकि पॉजिटिव प्लेट ऊपर थी नेगेटिव प्लेट नीचे थी और कैथोड रेस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है स्टूडेंट्स और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है सो so अब पहली चीज मैंने आपको बताई भी जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो कैथोड रेज जैसे हमें पता है नेगेटिव चार्ज होती है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई अब जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई मैग्नेट मैंने नीचे से लगाया है बच्चों कुछ ऐसे मैग्नेट मैंने ऐसे लगाया मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई हुई तो कैथोड रेज जो है वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो गई वो यहाँ डिफ्लेक्ट हो गई इस जो उधर ऊपर पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसे मैंने दे दिया पॉइंट ए ठीक है जो यहाँ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई इसे मैंने पॉइंट दे दिया सी अब स्टूडेंट्स क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इंफ्लुएंस सेम हो जाता है दोनों ही एक एक टाइम पे एक्ट करती हैं तो कैथोड रेस क्या करेंगी करेंगीथॉर्ड रेस ट्रैवल करेंगी और इस पॉइंट को मैं कहूंगी पॉइंट बी आपको अब क्या देखने को पता चलता है भी जब ये करती बच्चों तो ये जो होता है ना यहाँ पर स्क्रीन ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है मैंने जो क्या इंडिकेट करता है जो उसका कलर इंडिकेट करता है वही बॉल वाली बात भी हमें वो नजर आने लग जाती है क्योंकि कैथोड रेज क्या होती है इनविजिबल रेज होती है तो जब वो यहाँ से चली हमें वो दिख नहीं रही है उनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है इस डायग्राम को आप ड्रॉ कीजिए मैं फिर से आपको समझाऊंगी भी इस एक्सपेरिमेंट में हमने किया क्या है वीडियो को स्टूडेंट्स पॉज करके इसे बनाना है और आई एम टेलिंग यू अगर आप बिना बनाए इसे समझेंगे ठीक है साथ साथ ड्रॉ करो ठीक है मान लीजिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया वीडियो को पॉज करो पांच मिनट लगा ड्रॉ करो और सोचो अच्छा ऐसे हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते टाइम सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो कहां जाएंगी मैग्नेटिक मैग्नेट बनाने टाइम सोचो कहां जाएंगी कैथोड रेस उससे आपको याद होगा तो वीडियो को पॉज करके पहले से बना लीजिए फिर एक बार फिर से आपको इसको रिवाइज करवाती हूँ सो so स्टूडेंट्स अब देखो मैंने बोला ये कैथोड रेज हैं कैथोड रेस कैथोड से एनोड में जा रही हैं एनॉर्ड के हमने लिया परफ़ोरेटेड एनोड मतलब जिसमें होल होता है यहां से वो ट्रेवल करी यहाँ तक आई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाई ऊपर था पॉजिटिव चार्ज नीचे था नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ऊपर हमें पता है, कि रेस की होती है, भी वो है. हमेशा रुकी हमारी स्क्रीन पर उस पॉइंट को मैंने ए पॉइंट कह दिया फिर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई नीचे से तो वो मैग्नेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई जिसे मैंने पॉइंट सी कहा और जब इन दोनों का इन्फ्लुएंस सेम हुआ तो वो कहा गई वो बिल्कुल मिडिल में गई ना वो कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई वो स्ट्रेट ट्रेवल कर गई तो उस पॉइंट को मैंने पॉइंट बी कहा सो so, इसे नोट डाउन करते हैं अब इसके कुछ दिखाती जो मैंने अभी आपको डिक्टेट किया है हम उसे नोट डाउन करेंगे सो स्टूडेंट्स अभी हमने थॉमसन का एक्सपेरिमेंट देखा था उस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या ऑब्जर्व किया ठीक है तो देखिए सबसे पहली चीज जो हमने ऑब्जर्व करी वो ये थी भी जो डिफ्लेक्शन है यानी कि पॉइंट ए पे जाना पॉइंट बी पे जाना या पॉइंट सी पे जाना मतलब वो जब डिफ्लेक्ट हो रहा है एक बार रिवाइज करते हैं मैंने बोला ये कैथोड रेज है कैथोड रेज आ रही है ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है पॉजिटिव प्लेट ऊपर है तो ये ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज था फिर मैंने कहा मैंने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लगाई आ रही थी तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी पॉइंट सी पे पॉइंट बी पे कब जाएगी जब दोनों को मैं बैलेंस करूंगी दोनों अक्कर कर रही हैं तो वो उस टाइम पे पॉइंट बी पे जाएगी स्ट्रेट लाइन में राइट तो अब देखिए डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करती है मतलब ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है ये नीचे जा रही है या मिडल में जा रही है तो वो किस पे डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड कर रही है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे सेकेंड चीज वो किस पे डिपेंड कर रही है वन बाय मास ठीक है उस पर डिपेंड कर रही है और थर्ड चीज डिफ्लेक्शन डिपेंड करती है कितनी वोल्टेज आप लगाते हो वोल्टेज पे उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे भी डिफ्लेक्शन कहा हो रही है सो so, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे वो डिफ्लेक्ट होता था पॉइंट ए पे तो so, इसे लिख लीजिए वेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड जब अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टू पॉइंट ए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होते हैं पॉइंट ए में

तो अभी से आप नोट डाउन कर लीजिए इसके बाद हम देखने लगे हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हां जी स्टूडेंट्स तो अभी हमने इससे पहले देखा था थॉमसन का एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर हमने चार्ज की बात की थी और उसकी डिफ्लेक्शन की बात की थी वे डिफ्लेक्शन किस-किस पे डिपेंड करता है ठीक है अब हम देखने लगे हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये हमें क्या बताता है ये हमें चार्ज का जो मास है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास उसके बारे में उसे कैलकुलेट करने में हेल्प करता है आपके सामने डायग्राम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का। बेटा, ये मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है जिसे हम किसी चीज को बीच में से कट कर देते हैं और हमें जो देखने को मिलता है भी अंदर का सेटअप कैसा है ये वो चीज है तो ये अंदर का सेटअप आपको दिखा रही हूं मैं एक एक चीज मेरे साथ ड्रॉ करनी है मैं जैसे जैसे बोलूंगी आपने कॉपी पेन उठानी है उसे उस तरह से ड्रॉ करना है इससे क्या होगा आपको ये एक्सपेरिमेंट दो मिनट में समझ आ जाएगा तो देखिए ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की की स्ट्रक्चर पहले बात करते हैं हमने क्या क्या चीजें लेनी है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है एटोमाइजर जैसे आप आ, किसी मतलब बार्बर की शॉप पे जाओगे तो वहां देखोगे वो यूजुअली आपके हेयर स्प्रे करता है उसकी जो स्प्रे होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है ना तो ऐसे क्या होते हैं मिस्ट की फॉर्म में पार्टिकल्स की फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आती हैं सिमिलरली एटमाइजर एक ऐसा हमने पंप लिया है भी हम इसे प्रेस करेंगे तो इसमें ऑयल प्रेजेंट है ऑयल की ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेगी तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है एटोमाइजर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है ऑयल प्रेजेंट है तो सबसे पहले आप इसे ड्रॉ कर लीजिए पहले आप इसकी बाउंड्री बना लीजिए ऊपर लगाइए एटोमाइजर ठीक है स्टूडेंट्स अब देखो बच्चों अब एक और चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है भी हमने दो मेटालिक प्लेट्स लगानी है एक प्लेट यहाँ नीचे, और एक प्लेट मिड में लेकिन ध्यान से जो मिड वाली प्लेट है उसके बीच में एक होल छोड़ना है मतलब ये ऐसे कुछ कनेक्टेड है और इतना गैप है और इस गैप में एक होल है समझ रहे हैं एक प्लेट ऊपर और नीचे वाली प्लेट पूरी और बीच में एक ऐसा होल होगा इधर और इधर ऐसे कनेक्टेड होगा ठीक है तो ये कुछ इस प्रकार से है ये दोनों क्या है मेटालिक प्लेट है तो इसके बीच में आप ये जो सर्कल मैंने दिखाया है ये क्या है होल है जो ये ऊपर वाली प्लेट है और नीचे वाली प्लेट है ये क्या है मेटालिक प्लेट ठीक है स्टूडेंट्स अब देखो जो नेक्स्ट चीज मैंने बनाई है इसके अंदर वो ये है यहां पर मैंने लगाया माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप मैंने इसके साइड पे लगाया ताकि मैं ऐसे आंख करके इसको देख सकूं ऑब्जर्व कर सकूं भी अंदर हो क्या रहा है? ये मैंने आई बनाई है, आप मेरे से सुंदर आई बना सकते हो आप अच्छी सी आई बनाइएगा ताकि आपको पता चले भी जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं हम उसे कैसे देखेंगे हम उसे ऐसे देखेंगे ठीक है so सो इससे हमें पता चल जाएगा भी हां जी अंदर कौन से पार्टिकल्स क्या मूवमेंट शो कर रहे हैं मास कैसे कैलकुलेट करना है ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है अब मैंने क्या किया ये जो मेटालिक प्लेट थी से कनेक्ट किया बैटरी के साथ और ये जो है ये सर्कल मैंने शो किया है ये वोल्टेज अप्लाई करने के लिए शो किया है और ये मेरी बैटरी है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ठीक है अब आगे देखिए आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक आयनाइजिंग रेडिएशन दिखाई है आयनाइजिंग रेडिएशन रेडिएशन क्या होती है है बाहर से एमिट करती है। जो क्या करती है आयनाइज कर देती है मतलब में तोड़ देती है हमने देखा था हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर आयनाइजेशन जब अक्कर करती है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो हां जी ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को रेडिएट करेगा सो so, इसे ड्रॉ कर लीजिए अब देखो बच्चों यहां पर आपको एक और चीज मैंने दिखाई है ये चीज देख सकते हो आप ये क्या है ये इसीलिए हमने यहाँ से छोटा सा होल बना दिया है जिसके ऊपर हमने ग्लास मिरर लगा दिया है इससे क्या होता है बाहर की लाइट अंदर तक जा सके ताकि अंदर लाइट पड़ सके क्योंकि अगर अगर अंदर इतना अंधेरा होगा तो आप माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते भी अंदर क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है इसीलिए हमने छोटा सा एरिया छोड़ा है जहां से लाइट अंदर जा सके ताकि हमें दिख सके ठीक है जैसे आप आपके घरों में जैसे खिड़की क्या काम करती है बाहर से अगर आप दोपहर को खोल देते हैं ऊपर एक छोटा सा होल यूजली आपने देखा होगा इवन क्लासरूम्स में भी कई में हमें देखने को मिलता है के अंदर बेसिकली तो वो इसलिए होता है लाइट जो है वो आती रहे कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो अब आप देख सकते हो ये इसका सेटअप था पूरे एक्सपेरिमेंट का तो आप पहले इसे ड्रॉ कर लीजिए वीडियो को पॉज करके फिर हम देखने वाले हैं भी इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है ठीक है अब देखिए बच्चों मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नाम से ही बता रहा है मिलिकन साइंटिस्ट है एक्सपेरिमेंट में हमने यूज किसका किया है ऑयल ड्रॉपलेट्स का मैंने आपको बोला था एटोमाइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो जिसमें ऑयल प्रेजेंट होता है तो अब हम करते क्या है देखिए जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये चार्ज को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है और इससे हम मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं सो इट डिटरमाइंस चार्ज एंड मास भी लिख सकते हैं आप ठीक है उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है ड्रॉपलेट्स निकलेगी ठीक है निकलेंगी किसकी ड्रॉपलेट्स वाटर की नहीं ऑयल की बता चुकी हूँ तो ये आपको जो दिख रही है ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ठीक है उसके बाद देखिए दीज ड्रॉपलेट्स आर अलाउड टू एंटर थ्रू अ टाइनी होल इन द अपर प्लेट जो ये अपर प्लेट है इसमें एक होल बना हुआ था ये अपर प्लेट थी इसके बीच में एक ऐसे होल था ऊपर से एटमाइजर से किया तो एक एक बूंद करके जो ऑयल की थी इसमें से ऐसे बाहर निकली ठीक है ड्रॉप्स निकल रही है स्टूडेंट्स एकदम से कोई पानी नहीं निकाल दिया या हमने मतलब बहुत तेज धारा नहीं एक, -एक ड्रॉप ठीक है उसके बाद देखिए प्लेट सॉरी रेट ऑफ फॉल ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स भी जिस स्पीड से या जिस मतलब हम कह सकते हैं गिर रही हैं इनका जो रेट ऑफ फॉल है वो क्या देखा जाता है वो नोट किया जाता है और उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं मास कैलकुलेट करते हैं अब आपको एक चीज बताती हूँ क्या किया बेसिकली हमने एटमाइजर से इसे ऐसे प्रेस किया ऑयल ड्रॉपलेट्स निकली ऑयल ड्रॉपलेट्स ने क्या किया अपर प्लेट को पास करके नीचे आ गई साथ ही साथ हमने क्या कर दिया वोल्टेज अप्लाई कर दी बच्चों वोल्टेज अप्लाई होते ही क्या हुआ आयनाइजिंग रेडिएशन ने इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट करने शुरू कर दिए क्योंकि इसका काम ही यही होता है इलेक्ट्रॉन रेडिएट अब इलेक्ट्रॉन बहुत आ बहुत सारे ज़्यादा अमाउंट में हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल गए अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते है हर को कर लेते हैं। ये हर जो ये ऑयल ड्रॉपलेट को सराउंड कर रहे हैं अब होता क्या है बेसिकली देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव नीचे चार्ज किसका इस प्लेट ये प्लेट इस नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है इस पे चार्ज है नेगेटिव स्टूडेंट्स ये जो प्लेट है ये इलेक्ट्रोड जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव है ऊपर से मैं कोई चीज घेर रही हूँ ये मैंने ऐसे गेर दी नीचे गई नीचे गई इस पे चार्ज नेगेटिव था लेकिन चार्ज नीचे भी नेगेटिव था तो वो रिपेल करेगा नीचे नहीं जाएगी अब ये मत कहना मैम चौक पे नीचे गिर गया मैं चौक की नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रही ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है नीचे इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है ये नीचे आया तो ये रिपेल करेगा ये इसे धक्का मारेगा ऊपर भेजेगा यानी कि इसके ऊपर जो ऊपर फोर्स लग रही है ये होगी इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये इसे ऊपर खींचेगा लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मली बात करो तो एक फोर्स नीचे भी तो लग रही है जिसके कारण ये नीचे अट्रैक्ट हो रहा है कोई भी चीज है मैं मतलब इसको नीचे गिर रही रू तो नीचे खुद गिर रहा है या तो ना गिरे कैसे गिर रहा है फोर्स लग रही है ना इसमें नीचे गिरने के कारण ग्रेविटी नीचे खींच रही है इसको तो एक एक नीचे लगती है, फोर्स एक लगती है है फोर्स ऊपर तो अब इलेक्ट्रॉन जाए तो जाए कहा तो इस कंडीशन में हम इसका रेट ऑफ फॉल चेक करते हैं और रेट ऑफ फॉल की हेल्प से हम इसका मास और चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले तो जो यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए और लास्ट पॉइंट देखिए पहले

मैंने क्या किया ऑयल ड्रॉपलेट्स को पंप किया जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉपलेट्स बाहर निकली ऑयल ड्रॉपलेट्स जैसे ही बाहर निकली तो जो ऊपर वाली प्लेट है एक चीज चीज बच्चों अभी नोट कीजिए ये ये मैं आपको आपको बता नहीं पाई मैंने आपको बताया भी नेगेटिव टर्मिनल है तो नीचे वाली भी नेगेटिव है सिमिलरली अगर पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है तो ये भी पॉजिटिव प्लेट का, का काम कर रहा है है ना तो एक चीज मैंने जब आपको बोला एटमाइजर ने ऑयल ड्रॉपलेट निकाल ली ठीक है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स राइट तो, के पार्टिकल्स जब करेंगे इस पोल को, तो क्या होगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अंदर आए उन्होंने क्या किया ऑयल ड्रॉपलेट्स के मतलब बाउंड्री बना ली ऑयल ड्रॉपलेट्स के आसपास उससे क्या हुआ अब इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज नीचे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी भी तो अट्रैक्ट करती है ना किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो

तो जो इसका चार्ज आता है और मास आता है वो मैं आपको भी बता चुकी थी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या कैसे हमने निकाला था e रेशियो की हेल्प से तो ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था सो so स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले बताया इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज है और चार्ज कितना है और मास कितना है वो भी आपको बताया प्लस फिर मैंने आपको बताया जे जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट

उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी सो so स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स देखेंगे थैंक्स अलॉट